गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं कोरिलेशन में एक नया मेथड, मेथड बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ एक्चुअल डाटा। तो यहाँ पे हम एक्चुअल डाटा को यूज़ करते हुए कोरिलेशन, कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। पहले हमने क्या किया था, एक्चुअल मीन से निकाला, अज्यूम्ड मीन से निकाला। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर द एक्चुअल डाटा, और इसको प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड भी कहते हैं। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा वो आएगा R, that is coefficient of correlation is equal to summation of x y. Here हम x y को as it is ही ले रहे हैं, जो मेरे पास x and y का जो सीरीज है, ठीक है, माइनस summation of x into summation of y over n over under root summation of x square minus summation of x का whole square over n into under root of समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर ओवर एन। तो यहाँ पे जो एन है उसको हम यहाँ पे डिनोमिनेटर की बजाय यहाँ पे न्यूमिरेटर में भी लिख सकते हैं। तो अगेन एन को यहाँ पे न्यूमिरेटर में लिख के बाकी सेम है। सिमिलरली दिस एन कुड ऑल्सो बी शिफ्टेड टू दिस, राइट। तो यहाँ पे ये एन को हम लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल, फाइंड कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन। जहाँ पे x और y हमारे पास ये दिया हुआ है, तो इसका हम देखते हैं कि कैसे कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है, x एंड y मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे मेरे को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए एक तो, y स्क्वायर चाहिए, और तीसरा जो चाहिए एक्स वाई चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, n इज इक्वल टू 6, एंड देन समीशन ऑफ x मेरे पास आ जाएगा, दैट विल बी 21। अगर आप इस सबको जो है ऐड करोगे, उसके बाद मेरे पास x स्क्वायर मैं निकाल लेती हूँ, 4, 9, 1, 25, 36 and 16। तो इसको अगर आप समीशन करोगे तो ये आ जाएगा 91, ठीक है। एंड देन y मेरे पास आ जाता है, y का समीशन मेरे पास आ जाएगा 24, ठीक है, अगर आप इसको प्लस करोगे। उसके बाद 16, 25, 9, 16, 36 and 4, इसको भी प्लस कर लेते हैं। y स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 106, राइट। उसके बाद हम ले लेते हैं x एंड y, ये रहा x और ये रहा y, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 4 = 8, 5 × 3 = 15, 3, 5 × 4 = 20, 6 × 6 = 36, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो x एंड y को समीशन कर लेंगे हम इसका, तो ये आ जाएगा 90। अब सिंपली वी हैव टू पुट द फॉर्मूला। तो r का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ x इंटू समीशन ऑफ y ओवर अंडर रूट n इंटू समीशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर, एंड देन n इंटू समीशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर, राइट। तो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज। तो r का वैल्यू सबसे पहले n क्या है, मेरे पास 6 है, xy 90 है, माइनस समीशन ऑफ x कितना है मेरे पास 21, समीशन ऑफ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, समीशन ऑफ y मेरे पास कितना है 24। सिमिलरली अंडर रूट 6 इंटू समीशन ऑफ x स्क्वायर मेरे पास 91 है, माइनस समीशन ऑफ x यानी कि 21 का होल स्क्वायर अंडर रूट 6 इंटू समीशन ऑफ y स्क्वायर 106 माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर यानी कि 24 का जो है मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जो है सिंपल कैलकुलेशन से हम कैलकुलेट करेंगे, तो r का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा +0.453। दिस इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन थ्रू द प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, जहाँ पे हमने कोई मीन या एक्चुअल मीन नहीं निकाला, जस्ट एक्स वाई का जो सीरीज है उसी से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई निकाल के सिंपली फॉर्मूला में पुट कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट एक और सम देख लेते हैं, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट।
यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई दिया है, एक्स मीन वाई मीन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई एंड एन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ, आर इज इक्वल टू एन इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई ओवर अंडर रूट एन इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। नाउ लुक एट इट कि यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई जो है वो अवेलेबल है, राइट। समीशन ऑफ एक्स एंड समीशन ऑफ वाई ऑफ कॉस मीन से निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से मैं क्या चीज़ें निकालूंगी, मैं निकालूंगी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। सो दैट मेरे पास समीशन ऑफ एक्स वाई और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड समीशन ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के उसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मेरे पास क्या है, मीन, मीन इज इक्वल टू 28.5 एक्स का मीन है, तो दैट इज समीशन ऑफ एक्स ओवर एन, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया समीशन ऑफ एक्स एन, टेन है मेरे पास, 28.5 × 10, राइट, यानी कि 285। तो यहाँ से मैंने समीशन ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल लिया है। अब दूसरा मेरे पास क्या आएगा, वाई का जो है वो आ गया 28.0, तो समीशन ऑफ वाई ओवर एन, तो यहाँ से समीशन ऑफ वाई मेरे पास क्या निकलेगा, 28 × 10, यानी कि 280, ठीक है। तो ये मेरे पास समीशन ऑफ एक्स और समीशन ऑफ वाई का वैल्यूज़ आ गया है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का मेरे पास फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर। मीन मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। पहले तो इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर। अभी इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, 10.5 का स्क्वायर, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास नहीं है, एन मेरे पास 10 है, मीन मेरे पास है 28.5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके हम यहाँ से निकाल लेंगे समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू, जो कि आ जाएगा 9225, सिंपली इसको जो है कैलकुलेट करके। सिमिलरली हम लोग निकाल लेते हैं समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो उसके लिए मेरे को जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का लेना पड़ेगा, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस वाई मीन का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, इसको भी अगेन स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायरिंग, वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस वाई मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना है, 5.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर एज इट इज़ ओवर 10 माइनस 28 का स्क्वायर या 28.0 का स्क्वायर, बात एक ही है। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करके इसको 10 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करके समीशन ऑफ वाई स्क्वायर का जो है वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो समीशन ऑफ वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो आएगा 8153.6, ठीक है। अब आप देखिए हमने क्या किया, समीशन ऑफ एक्स निकाल लिया, समीशन ऑफ वाई निकाल लिया, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लिया, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद समीशन ऑफ एक्स वाई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो अब मैं सिंपली इन सब चीज़ों को इस फॉर्मूला में पुट कर देती हूँ एंड आई विल गेट द आंसर। तो आर में मैंने क्या पुट किया, 10, एन कितना है, 10 है, समीशन ऑफ एक्स वाई इंटू 8425 माइनस
समीशन ऑफ x मेरे पास कितना आ गया 285 इंटू समीशन ऑफ y 280 एंड देन अंडर रूट n मेरे पास कितना है 10 इंटू समीशन ऑफ x स्क्वायर 9225 माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर विच मीन्स 285 का स्क्वायर. देन अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज n 10 इंटू 8153.6 माइनस 280 का होल स्क्वायर. तो दीज आर द सिंपल कैलकुलेशंस. तो इनको हम सिंपल कैलकुलेशंस करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.756 पॉजिटिव, राइट. तो उन्होंने कहा था हमें कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट. तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज, राइट. ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं करेक्टिंग द इनकरेक्ट वैल्यू. ठीक है, तो अगर कहीं पे वैल्यू गलत हो जाए तो उसको कैसे करेक्ट करना है. व्हाइल कैलकुलेटिंग द आर दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई ए कंप्यूटर ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, तो ये हमारे पास दिए हुए हैं एन आर मीन वाई मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. इट वॉज डिटेक्टेड दैट एन आइटम 27 कोई एक आइटम 27 has been wrongly taken as 17 in case of x series. ठीक है, x series में जो है एक आइटम 27 है, होना 27 चाहिए था लेकिन लिख क्या दिया उसकी जगह पे 17, यानी कि करेक्ट वैल्यू 27 है और इनकरेक्ट वैल्यू हमारे पास 17 है. ठीक है, इन द x series एंड 35 इंस्टेड ऑफ 30, ठीक है, और क्या किया 35 लिख दिया गया इंस्टेड ऑफ 30, विच मीन्स कि 35 मेरे पास इनकरेक्ट है और 30 मेरे पास करेक्ट है इन केस ऑफ वाई सीरीज. ठीक है, तो ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ आर, तो आर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक करेक्ट वैल्यू मुझे निकालना है. तो सबसे पहले जो मेरे पास गिवन है वो सारा ये है. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द मीन पार्ट. तो मीन मेरे पास क्या है, एक्स मीन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन. ठीक है जी, तो ये मेरे पास एन कितना है 20, 15 इंटू 20 इज इक्वल टू जो है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया. बट रिमेंबर ये मेरे पास जो है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो ये 300 आ गया मेरे पास, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300, बट दिस इज इनकरेक्ट वन नॉट द करेक्ट वन. तो अब इसको हम जो है करेक्ट करते हैं. तो इसको करेक्ट कैसे करें, करेक्ट करने का तरीका जो है, दिस इज समीशन ऑफ दिस इज समीशन ऑफ एक्स नॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि सिंपल मीन लिया है. दिस इज समीशन ऑफ एक्स ओवर एन. ठीक है, जो हमारे पास कितना आया 15 इंटू 20. ठीक है, दिस इज दैट. तो समीशन ऑफ एक्स है नॉट एक्स स्क्वायर, दिस इज माई मिस्टेक. ठीक है, समीशन ऑफ एक्स मेरे पास ये है बट दिस वन इज अ इनकरेक्ट. अब इसको करेक्ट करना है तो क्या आएगा मेरे पास, ये मेरे पास है करेक्ट वैल्यू, इसको प्लस कर देते हैं 27, ये है इनकरेक्ट वैल्यू, इसको माइनस कर देते हैं. तो करेक्ट जो समीशन ऑफ एक्स है वो मेरे पास क्या होएगा, प्लस 27 हो जाएगा, माइनस 17 आ जाएगा, यानी कि करेक्ट 310 आ गया. ठीक है, अब दूसरा हम कर लेते हैं, वाई मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ वाई ओवर एन. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ y इज इक्वल टू 20 इंटू 20 यानी कि 400, बट दिस वन इज द इनकरेक्ट. अब इसको करेक्ट करते हैं, करेक्ट समीशन ऑफ
y जो मेरे पास आएगा 400, ठीक है, इनकरेक्ट क्या है 35, करेक्ट क्या है 30, तो ये आ गया मेरे पास 395। नाउ समीशन ऑफ x निकल गया मेरे पास, समीशन ऑफ y निकल गया करेक्ट 1, ठीक है। अब क्या निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, समीशन ऑफ x स्क्वायर एंड समीशन ऑफ y स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मेरे पास क्या आ जाता है, अंडर रूट राइट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ x स्क्वायर माइनस मीन मेरे पास है। अब नाउ यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे मैं अब करेक्ट मीन लूँगी, इनकरेक्ट मीन नहीं लूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास जो मीन है। तो यहाँ पे पहले हम इनकरेक्ट समीशन ऑफ x स्क्वायर निकालते हैं जिसको हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n मेरे पास कितना है, n विल बी 20, दिस वन माइनस मीन 15 का स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। तो इसको सॉरी अंडर रूट नहीं डालना है क्योंकि हमने स्क्वायरिंग कर दी है, राइट। तो ये मेरे पास समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि इनकरेक्ट है, इस सारे को कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 4820, दिस वन द इनकरेक्ट। नाउ करेक्ट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो आएगा 4820, ठीक है, इसमें मैं करेक्ट 27 को के स्क्वायर को प्लस कर दूंगी, इनकरेक्ट को माइनस कर दूंगी, ठीक है जी। तो करेक्ट मेरे पास आ जाएगा दैट विल 5260। सिमिलरली इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y समीशन ऑफ y स्क्वायर ओवर n माइनस y मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो इनको दोनों को जो है स्क्वायरिंग कर लेंगे, समीशन ऑफ y स्क्वायर ओवर 20 माइनस मीन मेरे पास कितना है 20 का स्क्वायर, बट दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पे समीशन ऑफ y स्क्वायर मेरे पास इनकरेक्ट वाला निकल जाएगा एंड इनकरेक्ट समीशन ऑफ y स्क्वायर इज 8500। अब इसको करेक्ट करते हैं, करेक्ट समीशन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 8500, यहाँ पे 35 लिख दिया इंस्टेड ऑफ, तो 30 स्क्वायर को प्लस कर देंगे, 35 को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 8175। तो दिस वन इज़ अ करेक्ट वन, राइट। अब देखते हैं समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास जो करेक्ट निकला है वो निकला है 5260। समीशन ऑफ वाई स्क्वायर जो मेरे पास करेक्ट निकला है वो निकला है 8175, ठीक है। तो समीशन ऑफ एक्स निकल गया, समीशन ऑफ वाई निकल गया, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकल गया, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर निकल गया। अब लास्ट हमारे पास एक चीज़ रह गई है, वो रह गई है समीशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला पुट कर देते हैं, आर का मेरे पास क्या फॉर्मूला है, एन इंटू एक्स y माइनस समीशन ऑफ x समीशन ऑफ y ओवर n इंटू समीशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर एंड देन n इंटू समीशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.3 ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, तो उसको मैं यूज़ करके इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, 0.3 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 20 इंटू एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स 300
400 and then 20 into 4820 minus 300 का स्क्वायर एंड देन 20 इंटू 8500 माइनस 400 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने सारी इनकरेक्ट वैल्यूज़ जो है यूज़ की हैं क्योंकि 0.3 भी हमारे पास इनकरेक्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद समीशन ऑफ एक्स वाई मेरे पास आ जाएगा 6120। अब ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, तो इसको मैंने उसके बाद क्या करना है, करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए जो सही वैल्यू है वो इसमें प्लस करेंगे और जो गलत वैल्यू है वो इसमें माइनस करेंगे। 27 करेक्ट है, 30 करेक्ट है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 810, प्लस कर दिया, ठीक है। इनकरेक्ट मेरे पास कितनी है, 35 एंड 17, इनको मैं माइनस कर दूंगी 595, तो मेरे पास क्या आ गया, समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 6335। नाउ मेरे पास सारी की सारी करेक्ट वैल्यूज आ गई हैं, मेन जो मुझे चाहिए थी, समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ वाई, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर एंड समीशन ऑफ एक्स वाई। देखिए करेक्ट और इनकरेक्ट को ठीक करने का एक ही तरीका है, करेक्ट वैल्यू को प्लस कर दीजिए और इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो लास्ट मेरे पास आर का वैल्यू क्या निकलेगा, जब मैं ये सारी वैल्यूज़ सही वैल्यूज़ इसमें पुट करूँगी इस फॉर्मूला में, दिस इज़ आर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 20 इंटू 6335 माइनस 310 इंटू 395 ओवर समीशन ऑफ 20 इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 5260 माइनस 310 का स्क्वायर। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा 20 इंटू 8175 माइनस 395 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा 0.5153। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास पहले कितना था, दैट इज़ 0.3 इनकरेक्ट। अब करेक्ट कितना आ गया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.5153, ठीक है। तो ये था करेक्टिंग द इनकरेक्ट वैल्यू। लास्ट में एक देख लेते हैं वेरियंस कोवेरियंस मेथड। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसमें क्या निकलेगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और वेरियंस अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इनटू वेरियंस ऑफ वाई। तो इन अदर वर्ड्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोवेरियंस को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपली समीशन ऑफ एक्स वाई ओवर एन या फिर एक्स माइनस मीन इंटू वाई माइनस मीन ओवर एन, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, द सेम वी पुट इन दैट एंड देन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो अगर इसको सिंपल वैल्यूज में देखें तो वो सेम ही हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, समीशन ऑफ एक्स वाई ओवर एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेरे पास एक्स सीरीज़ दी हुई है, वाई सीरीज़ दी हुई है। देखा जाए तो इसको बहुत ही इजी मैनर में भी किया जा सकता है, जस्ट जो है फॉर्मूला लगा के, विच इज़ लाइक कि आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई इन टू एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। एक्स वाई मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, आर इज इक्वल टू 360 ओवर एन है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स 6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 7, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद प्लस 0286, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम ये तो सिंपल वही फॉर्मूला है, तो इसको कोवेरियंस के मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो कोवेरियंस के मेथड से कैसे करेंगे, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। देख लेते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हमने निकालना है, तो समीशन ऑफ एक्स वाई ओवर एन,
समीशन ऑफ एक्स वाई मेरे पास क्या है 360, एन क्या है 30 इज इक्वल टू 12, ठीक है। एक्स इज नथिंग बट एक्स माइनस एक्स मीन, वाई इज वाई माइनस वाई मीन, राइट। तो यहाँ पे आर मेरे पास कितना आ गया 12, कोवेरियंस 12 आ गया ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मेरे पास कितना 6 इंटू 7, तो आंसर वही रहेगा प्लस 0.286। तो ये वेरियंस एंड कोवेरियंस मेथड सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज ये आ जाता है कि यहाँ पे हम वेरियंस ले लेते हैं, कोवेरियंस ले लेते हैं, नथिंग एल्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।